कोई नहीं भाई, लेट ही सही, बट आ गया, उतने में ही संतुष्टि है और खुशी भी है। फाइनली आज अपने सलीम भैया के दर्शन हो गए। मास्क लगा लो पाजी, इतने केस बढ़ रहे हैं। यार एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। आज है 24 अप्रैल 2021, स्टोर खाली करने का अब काम शुरू हो गया आज से। सुबह सुबह ही भैया 9 बजे आ गए। मैंने इन्हें कहा था 6 बजे से लॉकडाउन लगेगा, थोड़ा जल्दी आ जाना, और जल्दी से भैया कितना जल्दी, 9 बजे सीधा। तो फिर मैं घर पे सो रहा था, तैयार व्यार हुआ, 9:30 10 आ गया हूँ। अब डिसाइड हो गया है कि ये वाला पहले पार्ट पूरा आज खुलेगा, तो हमने ये जो शोकेस बनाए थे ना, ये भैया पूरे खोल लेंगे और भैया ले जाएंगे इस टाइम पे। फिर ये पार्टीशन खुलेगा, पार्टीशन मुझे अपने मम्मी पापा वाले घर में लगवाना है, तो ये मैं वहाँ ले जाऊँगा। उसके बाद यहाँ पर ये वाला जो टेबल है ये कल खुलेगा, क्योंकि आज मेरे को लगता नहीं है पूरा हो पाएगा काम। इसके अलावा अपना आज ब्लॉग यहाँ पर डल रहा है, करते करते मैं यहीं ले आया था लैपटॉप, तो 11:45 हो गए हैं और अपलोड पे लगा दिया। 11 या 11:10 तक जो है ब्लॉग लाइव हो जाएगा अपना। चलो जी, फाइनली ब्लॉग लाइव हो गया है, थोड़ा सा लेट हो गया, 11:21 पर हुआ है। चलता है यार, इतना तो अब काम है, तो 20-25 मिनट तो छोटी बात हो गई। बाकी सलीम भाई ने अपने और दो साथियों को बुलाया है ताकि वो पूरा पार्टीशन कर सके। पार्टीशन का ही काम है क्या भैया का? अच्छा ठीक है, फिर तो भैया प्रोफेशनली कर ही देंगे, और अपने सलीम भाई टेबल वेबल में माहिर है। आप मास्क क्यों नहीं लगा रहे पहले ये बताओ, इतना केस बढ़ रहे हैं, मास्क आप लगा नहीं रहे? लगाओ मास्क प्रॉपर, आप भी भैया नाक के ऊपर मास्क। हाँ, मास्क प्रॉपर लगना चाहिए, ठीक है जी। आप सब लोग भी प्रॉपर मास्क लगाओ, आधी से ज़्यादा जगहों पे लॉकडाउन लग चुका है, बट जहाँ पे नहीं लगे, अगर आपको मिल रहा है काम करने का मौका, तो भाई कम से कम मास्क प्रॉपर लगा लिया करो। लूज है तो कोई नहीं, ठीक कर लिया करो बार बार, है जी। मैं भी कुछ बोल दूँ? बोल दो जी। अनमोल जी को हमने है ना बोलने का मौका दे रखा, हम तो बोलते ही नहीं कुछ। अच्छा, क्योंकि ये जो है ना, हाँ, बोलने से है सारे लोगों का एडवर्टाइज रखते हैं। हाँ। और दूसरी बात ये है, ये बहुत बेस्ट आदमी है। अच्छा। और इनके अंदर कुछ करने का जज्बा है। हाँ। और हो सके तो ये मोदी से भी मिल लेंगे बहुत जल्दी। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल मिलेंगे, आपकी दुआ है। आपने फिर मास्क हटा लिया। क्या कर रहे हो भैया। चलो भाई, पार्टीशन जो था वो तो पूरा निकाल दिया है, इस टेबल का भी आधे ज़्यादा काम हो गया। अभी सलीम भाई गए हुए हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, और मैं जा रहा हूँ नए वाले फ्लैट पे एसी की इंस्टॉलेशन करवाने, क्योंकि 2 दिन पहले एसी लिया था बट मैं लगवा नहीं पाया बीच में, तो आज वहीं पे वो जाएगा और देख भी लूँगा सफाई हुई या नहीं हुई। तब तक के लिए पापा यहाँ पर है 3:30-4 बजे तक, तो पापा संभाल लेंगे। इतने ऑर्डर जितने पेंडिंग थे वो मैंने सारे निपटा दिए हैं, और कल तक ही वेबसाइट चल रही है, मतलब जिस दिन तक आप ये ब्लॉग देख रहे हो 26 तारीख, उसके नहीं 26 तो अगले दिन है, 25 को डालूंगा ना ये ब्लॉग, तो 26 तक वेबसाइट चल रही है। जब तक जो ऑर्डर मारने हैं, ये हेडफोन्स पड़े हैं, कीबोर्ड वगैरह पड़ा है, PS4 के कंट्रोलर है, एक्सबॉक्स का कंट्रोलर है, और इसके अलावा 2-4 चीज़ें और है। मॉनिटर्स मैंने अभी लिस्ट किए नहीं थे, ये UPS ज़रूर है APC का, 1500 VA का, जिनके पास प्रॉपर गेमिंग PC है वो ले सकता है। तो चलो मैं तो निकलूँ फटाफट से अभी, फिर 3:30-4 बजे वापस आऊँगा। ओ भाई साहब, गाड़ी में तो आग लगी पड़ी है बुरी तरह से, ऐसे स्टीयरिंग व्हील तक जिसका बुरी तरह से आग की तरह तप रहा है। ओ AC फुल करी है, अभी भी चैन नहीं मिल रही, 4-5 मिनट लगेंगे अभी ठंडा होने में थोड़ा। क्रेटा का AC तो वैसे मानना पड़ेगा भाई, मस्त होता है। खाली क्रेटा ही नहीं, हुंडई की मैंने जितनी गाड़ियों में बैठा हूँ ना, सबका AC मुझे मस्त लगा है, भले मेरी वो सेंट्रो क्यों ना हो 2008 की, मतलब आज से लगभग 12-13 साल पुरानी सेंट्रो, उसका AC अभी तक इतना सही चलता है, मस्त चील्ड कर देता है पूरा। अंदर से गाड़ी बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है, मिट्टी मिट्टी हो रखी है, देखना हर जगह, यहाँ पर भी सारी, और पीछे तो कुछ ज़्यादा ही हालत ख़राब हो रखी है गाड़ी की। बट अभी 1-1.5 हफ्ता मैं नहीं धुलवाऊंगा, क्योंकि भाई शिफ्टिंग के दौरान फिर से गंदी होनी है, तो सामान लाने ले जाने में, इसलिए जब पूरा मैं शिफ्ट हो जाऊंगा ना नए वाले फ्लैट में, उसके बाद एक बार अच्छे से अपनी इसको भी और सेंट्रो को भी धुलवा के बेचने का भी मैं कह रहा था। काफ़ी लोगों के बाद मेरे पास ईमेल भी आए कि अनमोल भाई हमें ख़रीदनी है, तो वो यार मैं थोड़ा ना फ्री हो जाऊंगा ना जब अपनी लाइफ में, तब मैं आपको डिस्कस करूंगा आपके साथ कि कितने की बेचनी है, क्या है डिटेल पूरी गाड़ी की, क्योंकि उसमें अभी है यार, अभी 15-20 दिन तो लगा लो, मैं बिज़ी रहने वाला हूँ। और मैंने पहले शिफ्टिंग के लिए 29 तारीख का फिक्स किया था, बट अब वो 29 से कर दिया 27 तारीख का, घर की जो शिफ्टिंग करनी थी, क्योंकि दुकान का काम मुझे लग रहा है कल कल में हो जाएगा, जितना लग रहा था उतना लंबा निकला नहीं,
तो इसलिए मैंने सोचा घर का भी चलो जल्दी करके अपना फ्री होता हूँ, उसके बाद वीडियोस पे व्लॉग्स पे ध्यान दूंगा प्रॉपर भाई। अरे यार अभी एक पंगा हो गया, मैं नए वाले फ्लैट में तो आ गया बट यहाँ की चाबी जो है ना वो अभी ओनर के पास ही है और उनकी वाइफ हॉस्पिटल में एडमिट है, तो वो है कहीं दूर यहाँ से, अब वो देकर जाएंगे 1.5-2 घंटे में चाबी। जबकि एसी आ गया, इंस्टॉलेशन वाले भैया भी आ गए हैं, तो मैंने इंस्टॉलेशन वाले भैया को तो भेज दिया, मैंने कहा शाम को कर देंगे या फिर कल सुबह ही करेंगे इंस्टॉलेशन, और अपने जो हमारा एसी है वो मैंने गेट के बाहर ही रखवा दिया। वसल में ना उन्होंने सफाई वाले को चाबी दी थी पूरे सफाई करने की, तो सफाई वाला करके चाबी ले गया, मतलब उनको दे गया, यहाँ गार्ड को नहीं देकर गया। शेट यार ये तो लफड़ा हो गया, अब खामखा मेरा काम बढ़ गया। चलो ठीक है मैं वापस स्टोर ही जाता हूँ फिर अब। तो ये वाला हिस्सा जितना भी है सलीम भाई पूरा निकाल गए हैं, अच्छे से पैकिंग वैकिंग हो चुकी है चीज़ों की, सिर्फ एक ये टेबल बच गया है, अपना पार्टीशन भी निकल ही चुका था सुबह दिखाया, और कल मेरे ख्याल टेबल और ये पंखे सीसीटीवी ये सब निकालेंगे। इसके अलावा टीवी भी मैंने पैक कर दिया था अच्छे से, वो मैं अभी गाड़ी में ही ले जाऊँगा। एसी लगाई नहीं, वो मकान मालिक के पास थी चाबी, वो हॉस्पिटल में था वहीं पर दूर, तो ना ना वहीं रख दिया एसी, तो कैमरा लगा हुआ है फ्लैट के बाहर ही रखा हुआ, तो मैंने गार्ड को कह दिया वगैरह ठीक है कोई नहीं, अब उसको फिर कल बुलाया, एसी लगाने वाला भी आ गया था और चाबी भी थी नहीं, अब कल लगेगा, चलो वो तो हो जाएगा सुबह सुबह। बाकी ये अपनी सारी मर्चेंडाइज पड़ी है, ये तो बाद में ही बेचेंगे, अभी एक बार पहले फ्री हो जाऊँ इन सब चीज़ों से, उसके बाद लॉन्च करेंगे और पूरी सेल वेल का मैं बता दूंगा कैसे आप खरीद सकते हो। चलो भाई पापा को घर पे छोड़ आया हूँ, और फाइनली इतने टाइम बाद मेरा ड्राइविंग लाइसेंस भी आ चुका है। अब आप कहोगे कि इतने टाइम से इसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था तो ये गाड़ी कैसे चला रहा था, तो ऐसा नहीं है भाई, मैंने जो टेस्ट होता है लाइसेंस के लिए, लर्निंग तो मेरे पास बहुत पहले का ही है, उसके बाद एक टेस्ट होता है परमानेंट के लिए, वो मैंने टेस्ट क्लियर करा, फिर आपको एक पर्ची मिलती है कि जब तक आपका जो है परमानेंट लाइसेंस आ नहीं जाता तब तक आप उस पर्ची के साथ भी जो है गाड़ी चला सकते हो। तो पता नहीं इतना डिले क्यों हो गया, मैंने टेस्ट तो इतने टाइम पहले दिया था बट आज डिलीवर हुआ, कोई नहीं भाई लेट ही सही बट आ गया, उतने में ही संतुष्टि है और खुशी भी है। हालांकि लॉन्ग ट्रिप अभी मैं मार नहीं सकता, चाहे लाइसेंस हो चाहे ना, उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कोविड इतना ज्यादा फैल रहा है, पता नहीं यार कब चीजें सुधरेंगी, और अब लॉकडाउन लगने वाला है थोड़ी ही देर में, तो इसलिए मैं फटाफट से फ्लैट की तरफ भाग रहा हूँ अपने। रोड लगभग सारी खाली होनी शुरू हो गई है, जितनी भी शॉप्स थी वो भी बंद होना शुरू हो गई है, अभी बाहर इतना भी सुनसान नहीं है बट हाँ दुकानों को बंद करवाना शुरू कर देते हैं 6 बजे से, तो वही आप लगा लो 6:30-7:30 तक सारी दुकानें बंद हो जाती है, और फिर जो दुकानों पर काम करने वाले लोग होते हैं वो अपने घर निकलते हैं, तो फिर थोड़ी सी लगता है कि हाँ बाहर चहल पहल है, बट वही 7:30 बजते पूरा रोड वोड सब सुनसान हो जाता है क्योंकि होता ही नहीं है कोई, जाके करेगा भी क्या कोई, जो ऑफिस से आने वाले होते हैं वो सब घर पहुंच चुके हो। बाकी घर से मैंने ले लिया अपने लिए दाल चावल, क्योंकि सुबह से मैंने सिर्फ पोहा खाया हुआ और कुछ भी नहीं खाया हुआ, साथ ही साथ आम लाए थे पापा और कह रहे हैं कि मीठे भी काफ़ी है, और आपको पता ही है आम और लीची मेरे फेवरेट फ्रूट्स है, तो इसलिए मैं भैया सारी थैली उठा लाया, आज बैठ के फ्लैट पे आम ही खाऊंगा, मतलब एक दिन में नहीं ख़त्म कर दूंगा, मुझे पता है तबीयत ख़राब हो जाएगी बट 3-4 तो घटक ही जाऊंगा देखना। ड्राइविंग लाइसेंस के साथ साथ आज अपना ये कुरियर भी रिसीव हो गया, इसको ना मैंने लगभग 15-20 दिन से ऑर्डर कर रखा था अमेजोन से और ये आ ही नहीं रहा था, पता नहीं शायद किसी ऐसे पार्ट से आ रहा होगा जहाँ पे लॉकडाउन लगा होगा, बट ठीक है यार आ गया वही काफ़ी है अपन को। मेरे बालों को इग्नोर मारना, अभी ऑयलिंग करी है और अपने खूनी खंजर से अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, थोड़े से इसमें दही के निशान है, आज आंटी आई नहीं इसलिए बर्तन धुले भी नहीं, और सॉरी मतलब आंटी आई होगी पर मैं नहीं था क्योंकि मैं सुबह सुबह स्टोर चला गया था, तो मुझे आधे टाइम तो पता ही नहीं चलता आंटी आती भी है कि नहीं आती है, क्योंकि मैं ही नहीं होता या फिर कभी कभी इतनी गहरी नींद में सो रहा होता हूँ कि मुझे पता नहीं चलता। पहले ना मुझे अनबॉक्सिंग करने का बहुत शौक था, मैं अपने व्लॉग्स में भी और दूसरे चैनल पर भी अनबॉक्सिंग करते रहता था, बट इतनी अनबॉक्सिंग कर ली भाई अब थोड़ा बोरिंग होने लग गया, बट आप लोगों को अनबॉक्सिंग बहुत पसंद आती है तो मैंने सोचा चलो इस बार कैमरा पे ही कर लेते हैं, क्योंकि मैं मंगवाता बहुत चीज़ें रहता हूँ बट हर बार व्लॉग में नहीं दिखाता, मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना अगर आप चाहते हो या नहीं कि मैं दिखाऊँ हर वीडियो में, अगर आप कहोगे तो भैया दिखाए करेंगे हर एक चीज़ की अनबॉक्सिंग, मना करोगे तो फिर हमेशा की तरह थोड़ा कम कर देंगे। तो ये दोनों चीज़ें मेरे नए फ्लैट के लिए है, वैसे ना मैं इसे खोलना नहीं चाहता था क्योंकि यहाँ पे खोलने का मतलब ही नहीं है, सीधा नए वाले फ्लैट में ही खोलते, पर मैंने कहा एक बार देख लेता हूँ यार टूटी फूटी ना निकली हो, क्योंकि इसमें ग्लास भी है काफ़ी, ग्लास वो पानी वाला गिलास नहीं शीशा, भाई जिस भी सेलर के यहाँ से आया ना पैकिंग एक नंबर की करी हुई है, मतलब टूटने के चांस हो ही नहीं सकते थे इतनी तगड़ी पैकिंग में, एक ज़माने में हम भी गेम सुख.in में करा करते थे इतनी तगड़ी। तो ये है भाई दो फोटो फ्रेम्स A4 साइज़ ही है ये शायद से,
तो एक है लेट्स गो ट्रेवल, जो अभी हम कर नहीं सकते कोविड की वजह से, और एक है लाइफ इज अ जर्नी एंजॉय द राइड, सॉरी राइड नहीं फ्लाइट, बाइक राइड याद आ गई। तो दोनों फ्रेम्स मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी अमेजोन पे, 300-350 रुपए की थी। इसी के जैसी और भी काफ़ी सारे डिज़ाइन थे, बट मैं एक बार मंगवा के क्वालिटी चेक करना चाहता था कि कैसी लग रही है, और सही है यार क्वालिटी वाइज। तो मैं अपने नए वाले घर में मैंने दिखाया भी था पहले थोड़े दिन पहले कि पोस्टर्स काफ़ी सारे प्रिंट करवाए, उनको फ्रेम करवाने के लिए भी दे आया हूँ मैं। तो जो वो वाला फ्लैट है ना, उसमें वॉल जो है ना इस वाले फ्लैट की तरह खाली खाली नहीं रहेगी, वहाँ पर मैं हर एक वॉल को भरने वाला हूँ, चाहे वो बेडरूम की वॉल हो, चाहे वो हॉल वाली वॉल हो, चाहे वो जिम की वॉल हो, चाहे वो गेमिंग रूम की वॉल हो, पूरी भरी रहेगी भाई फोटो फ्रेम से। कहीं पे ट्रैवल रिलेटेड, कहीं पे मोटिवेशनल या फिर जिम वाले कोट्स वाले फ्रेम्स होंगे, गेमिंग रूम में गेमिंग वाले कोट्स वाले फ्रेम्स होंगे। तो मतलब कि ना टिच लगेगा वो फ्लैट, जहाँ भी मैं व्लॉगिंग करूँगा ना कोना कोना, मतलब मतलब उस घर उस फ्लैट का मैं हर एक कोना ऐसा चाहता हूँ कि मैं व्लॉग कर सकूँ, कोना कोना ऐसा हो जहाँ पे मैं व्लॉगिंग कर पाऊँ। देखते हैं बाकी हो पाता है नहीं हो पाता। ठीक है, इस वाले व्लॉग को इतना ही रखते हैं। आई नो थोड़ा सा छोटा सा व्लॉग बना था, छोटा मतलब मुझे पता नहीं है 7-8 मिनट है 10 मिनट है, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि छोटा व्लॉग है, लेकिन जब एडिट करने बैठता हूँ वो इतना बड़ा निकल जाता है, और कभी कभी लगता है यार आज बहुत शूट कर लिया, बहुत लंबा व्लॉग बन गया, एडिट करने बैठता हूँ तो वो 6-7 मिनट का ही बनता है। तो इसलिए अभी कुछ नहीं कहेंगे, बाकी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन गुड बाय, एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पर नहीं पड़ना फीका। बाय।